हेलो फ्रेंड्स, आजकल लॉकडाउन है, हम सबका ठंडा खाने का मन करता है, तो मैं बनाने जा रही हूँ बाजार जैसी रबड़ी मलाई कुल्फी। सिर्फ दो चीजों से बनती है, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो चलिए, मैं नम्रता गुप्ता नम्रता से हेल्दी क्विजिन में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं रबड़ी मलाई कुल्फी बनाना। गैस स्टार्ट करेंगे, एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें दो गिलास दूध डालेंगे, फुल क्रीम दूध है ये। इसको बनने देंगे। तीन से चार ब्रेड लेंगे अपन, इसका ब्राउन पार्ट है उसको निकाल देंगे इस तरह। ये चारों ब्रेड कट गए हैं, उसके पार्ट निकाल दिए। एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें चारों ब्रेड डाल देंगे पीसने के लिए, और इसका बारीक बुरादा पीसना है अपन को। एक पीस के इस तरीके से बुरादा कर लेंगे इसका ब्रेड का। बाली आ गई है और अच्छा खासा खदक गया है ये। देखिए मलाई की चारों तरफ पड़ रही है इसकी। कुल्फी में थोड़ा सा मलाई आना जरूरी है, और मलाई को साइड करते जाइए इस टाइप से। एक मिनट और लगेगा इसको गाढ़ा होने में, और ये कुल्फी बहुत झटपट बन के तैयार हो जाती है, टाइम नहीं लगता है। दूध गाढ़ा हो गया है, अब इसमें अपन ब्रेड क्रम्स जो अपन ने किया हुआ है बिल्कुल बारीक, इसको डाल देंगे। साथ में चीनी डालेंगे, आधा प्याला है, यानी 7 से 8 चम्मच चीनी ली हुई है मैंने, ये भी डाल देंगे, और इसको 1-2 मिनट के लिए रख देंगे स्लो फ्लेम पे। एक से दो मिनट हो गए हैं और ये काफी रवादार दिखने लग गया। अब इसमें अपन मेवा डालेंगे, बादाम और काजू का महीन महीन टुकड़े किए हुए हैं उसको डाल देंगे। इसमें मेन पार्ट होता है चिरौंजी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कुल्फी में। इसको मैंने थोड़ा दरदरा कर लिया है। पिस्ता, तीन से चार इलायची पाउडर इसमें डालेंगे, 1 से 2 चम्मच गुलाब जल, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सबसे लास्ट में डाल देंगे केसर, जो कि दूध में डाल के रखा था मैंने गर्म दूध में, इसका कलर भी आ गया है। इसको रख देंगे, ये रेडी है, और ठंडा होने के लिए रख देंगे इसको। फिर इसका नेक्स्ट प्रोसीजर अपन चालू करेंगे जमाने का। देखिए ये ठंडी हो गई है, कितनी गाढ़ी हो गई और कितनी यमी लग रही है। अब अपन इसको भर लेंगे, मैंने छोटे छोटे ग्लास लिए हुए हैं इस टाइप के। इसमें अपन मेवा डाल देंगे थोड़ा सा नीचे, इसको भर लेंगे। इस तरह से भर लेंगे, इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल देंगे।
के तक को लगा देंगे इस तरीके से। देखिए कितनी जल्दी बनके तैयार हो गई रबड़ी मलाई कुल्फी, खाने में बिल्कुल बाजार जैसी लगती है, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि बाजार की खा रहे हैं कि घर की खा रहे बनी हुई। इसको अब 3-4 घंटे के लिए अपन फ्रीजर में रख देंगे और ये इसका प्रोसीजर मैं आपको आगे बताऊंगी। 4-5 घंटे हो गए हैं, ये जमकर तैयार है, इसको अपन निकालेंगे। अब अगर आपने पूरी वीडियो फॉलो की है तो बिल्कुल ऐसे ही बनके तैयार होगी। देखिए वाव कितनी यमी और टेस्टी लग रही है, इसके गोल गोल पीसेस काट लेंगे। इसको प्लेट पर रखकर गार्निश करेंगे। इसमें ऊपर से एक ड्राई फ्रूट डालेंगे। देखिए ये बनके तैयार हो गई है, कितनी यमी लग रही है, देख के आपके भी मुंह में पानी आ गया ना। कैसी लगी आपको यह वीडियो, बनी है ना बिल्कुल बाजार जैसी। अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं आगे अपडेट के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय।